हेलो स्टूडेंट्स, टुडे मैं नीट एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताना चाहता है। देखो, नीट पीजी 2021 ऑलरेडी पोस्टपोन है। नीट कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं है। अभी जो इंडिया का सिचुएशन है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, नॉर्मल होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। क्लियर, आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है क्लियर, ये जो न्यू न्यूज़ आप लोग देखते हो ना, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ये जो बताते हैं जो 3 लैक्स एक्टिव केसेस है, साढ़े क्लियर 3.5 लैक्स एक्टिव केसेस है, ये एक्चुअली रियलिटी में ना तो बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा तो आप लोगों को रूह कांप जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, ये जो अभी जो कोरोना का जो कोरोना केस जो है क्लियर, ये आउट ऑफ इमेजिन है। हर 100 साल में एक बार पैंडेमिक आता है, लेकिन पैंडेमिक जब आता है ना क्लियर, 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशंस को निर्मूल कर देता है। क्लियर, ये वर्ल्ड बैलेंस्ड होगा कब जानते हो? हमारा जो 780 करोड़ पॉपुलेशंस है वर्ल्ड में, ठीक है, 1/4 पॉपुलेशंस ख़त्म होगा। सो दैट मीन्स क्या, नियर अबाउट 200 करोड़। सो दैट मीन्स क्या, इसको दिमाग में रखते हुए, इसको दिमाग में रखो, ठीक है, हर एक स्टेट क्लियर, हर एक जो कंट्रीज है, हर एक कंट्रीज काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमारा जो इंडिया में जो सिचुएशंस है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। हम लोग डेंजर जोन में है। इस डेंजर जोन से क्लियर पहले तो बचो, फिर एग्ज़ाम के बारे में सोचो। क्लियर, एग्ज़ाम तभी हो पाएगा क्लियर जब सब कुछ नॉर्मल होगा। नॉर्मल होने के लिए काफ़ी कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो नीट एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम के साथ काफ़ी कुछ लिंक जुड़ा हुआ है। पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स है, फिर जेई मेन है, फिर नीट है, फिर जेई एडवांस जनरली होता है। क्लियर, नीट एग्जाम जो है अगस्त महीने में है। अभी जो सिचुएशन है, नॉर्मल होने के लिए अगस्त सितंबर तक तो नॉर्मल होने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। क्लियर, इसीलिए कोई क्लियर, जितना एग्जाम है सारे एग्जाम पोस्टपोन होगा, सारे ऑनलाइन एग्जाम पोस्टपोन होगा। कम से कम 2 to 3 months आप प्लस कर लीजिए, ठीक है, 3 months, 2 to 3 months आप प्लस कर लीजिए, पहले तो बचो। क्लियर, क्लियर मैं बिल्कुल वर्स्ट हीट एरिया है, सो दैट इज़ एमपी है, एमपी, यूपी, गुजरात, क्लियर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, क्लियर, तमिलनाडु एज वेल एज दिल्ली, कर्नाटक, क्लियर, ये सारे स्टेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफ़ी एक्टिव केसेस में इन्वॉल्व है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहले दुआ करो आप लोग सब सही हो जाओ, ठीक है, क्लियर, किसी का डेथ ना हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से बचने के लिए आप लोगों को क्या बोलूँ, यहीं से बचने के लिए, ठीक है, हम लोगों को खुदा ही प्रोटेक्ट कर सकता है। जो गवर्नमेंट का सिचुएशंस है क्लियर, गवर्नमेंट कभी कभी लगता है ना, गवर्नमेंट जानबूझ करके ऐसा सिचुएशंस क्रिएट कर दिया है जहाँ से क्लियर बचना ही नामुमकिन लग रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए एग्जाम के बारे में अभी भूल जाओ। कम से कम 2 to 3 months तो आपको क्लियर, कम से कम 2 to 3 months ये नॉर्मल होने के लिए। अभी जो एक्टिव केसेस है ना, यू कांट इमेजिन, आपका रूह कांप जाएगा आप एक्टिव केसेस क्लियर, और कितना डेथ हो रहा है ये भी आपको रियलिटी में जब पता चलेगा ना, आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। क्लियर, ये सब कुछ एक्चुअली क्यों हो रहा है, ये मीडिया का चक्कर में सब कुछ हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, ऑल एग्जाम्स विल बी पोस्टपोन, ठीक है, जितना ऑनलाइन एग्जाम्स है सारे पोस्टपोन होगा, ठीक है। क्लियर कि नीट कोई स्पेशल एग्जाम नहीं है, ठीक, क्लियर, नीट, जेई मेन, जेई एडवांस, सारे एग्जाम पोस्टपोन होगा, कोई पर्टिकुलर डेट पे नहीं होगा, और सारे बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा, ठीक है। क्लियर, कोई ऑफलाइन एग्जाम्स तो अभी कंडक्ट करने का पॉसिबल में नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, अभी जो इंडिया का सिचुएशंस है, अभी इस सिचुएशंस में क्लियर, कुछ आईआईटी ने भी डिस्क्लोज किया है, जे क्लियर, आईआईटी कानपुर एज वेल एज आईआईटी हैदराबाद ने ये डिस्क्लोज किया है, क्लियर, ये जो कोरोना है इसका पीक पॉइंट अभी भी नहीं आया, तो पीक पॉइंट पता नहीं, खुदा भरोसा, पीक पॉइंट जब आएगा तो फिर क्या होगा, अभी भी पीक पॉइंट नहीं आया, ठीक है, तो सोच लो, ऑल एग्जाम्स विल बी पोस्टपोन डेफिनेटली, क्लियर। सो इसीलिए माइंड को दुखी मत करो, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग एज वेल एज कीप प्रेइंग, ठीक है, जिस पे आप स्वस्थ रहो।